सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे शेप्स एंड टावर से। ये बोल रहे हैं हमें कि ये तीन पिक्चर्स को देख के बताओ आपको इसमें कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये पहले पिक्चर में एज यू कैन सी ये रहा एक ट्राइंगल, कितने सारे ट्राइंगल्स हैं आप देखे, जहाँ देखे वहाँ पर ट्राइंगल। यहाँ साइड में जो ब्रिज है वहाँ पर ये देखिए ट्राइंगल, सो मेनी ट्राइंगल्स यू कैन सी। यहाँ पर देखिए ट्राइंगल्स, ये भी ट्राइंगल, इसमें भी बहुत सारे ट्राइंगल छोटे बड़े। सो ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल्स है जो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। आगे लिखा है फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप्स कैन यू गेस व्हाई ट्राइंगल्स आर यूज्ड इन दिस टावर्स। ये सभी में ट्राइंगल्स क्यों यूज करते हैं आपको पता है, ब्रिजेस में टावर्स में सपोर्ट मिलता है उससे अच्छे से। लुक अराउंड एंड फाइंड आउट मोर प्लेसेस वेयर ट्राइंगल्स आर यूज्ड। और आपको क्या करना है, कुछ और जगहों पे जाना है या तो फिर अपने आसपास की जगहों में ढूंढना है कि आपको ट्राइंगल्स शेप ऐसी कौन से बिल्डिंग में आपको देखने को मिलता है। आगे हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं एंगल एंड टाइम। ये लड़की इस लड़की को बोलती है जीनत योर वॉच डजंट हैव डिजिट्स, तुम्हारी वॉच में कोई डिजिट नहीं है 1 to 12, तो तुम टाइम को कैसे रीड करती हो। तो ये जीनत बोलती है मैं तो टाइम को रीड करती हूँ एंगल्स, हैंड्स मेक राइट एंगल, समझो इसका मतलब 9 o'clock, जो आवर हैंड ये रहा मिनट हैंड ये रहा। सो ये लड़की जीनत टाइम तो पढ़ती है वो भी एंगल की मदद से। देर आर मैनी टाइम्स इन अ डे व्हेन द हैंड्स ऑफ क्लॉक मेक राइट एंगल। हाँ सही बात है, बहुत बार ऐसा होता है। चलो फॉर एग्जाम्पल 3 o'clock, सो ये छोटा हैंड यहाँ पर और मैं आपको राइट एंगल बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहले वाले में ये है मिनट हैंड, ये है आवर हैंड, हो गया 90 degree 3 o'clock। और दिखाता हूँ मैं आपको साइड वाले में, ये आवर हैंड ये मिनट हैंड, ये हो गया 6:15 बाकी है। और दिखाता हूँ थर्ड वाले में, ये आवर हैंड ये मिनट हैंड 3:30 हैं। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर ट्राइंगल्स के बारे में लिखा है ट्राइंगल्स आर शेप्स विच आर स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट चेंज ईजीली वेन प्रेस। ट्राइंगल को प्रेस करोगे वो शेप चेंज नहीं हो जाएगा, इसीलिए वो जो ब्रिज में है ना और बिल्डिंग में ट्राइंगल शेप्स यूज किया जाता है। चिल्ड्रन कैन ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ डिफरेंट शेप्स आर मेड स्ट्रॉन्गर बाई यूजिंग डायगोनल बीम्स। सो आप शेप को और भी स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं, शेप्स को बना के उसको प्रेस करके देख सकते हो मैस्टिक से बना के। ट्राइंगल दबेगा नहीं, याद रखना। नेक्स्ट पेज पे लिखा है राइट वॉट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाई हैंड्स एट दिस टाइम्स, ऑल्सो राइट द टाइम। टाइम भी लिखो और साथ में कौन सी एंगल्स बन रही वो भी लिखो। तो चलिए चलते हैं पहले 2 o'clock के ऊपर। यहाँ पर 7 और ये 5, ये एंगल एक्यूट बन रही है और बजे हैं 7:25। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी सी एंगल दिखाई दे रही है 90 से ज़्यादा, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब 2:40 आगे नीचे वाला क्लॉक क्लियर दिख नहीं रहा है बच्चों, ये 9 पे है और ये 5 पे है, ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है ग्रेटर देन 90। सो आप लिख सकते हैं 9:25, 9:25। आगे देखेंगे हम ये बाकी की जो 2 o'clock से, यहाँ पर ये रहा एक हैंड, दूसरा ये एक्यूट एंगल बन रहा है, एग्जैक्ट 10 o'clock है। लास्ट एक वॉच बाकी है हमारी, 9 पे छोटा वाला हैंड है, ये एंगल इस तरफ जा रही है और ये 9:10, 9:10। सो डियर स्टूडेंट्स, हो गए हमारे टाइम और एंगल्स, हमने लिख लिए सारे टाइम और एंगल्स को, आप भी लिख लेना। फिर यहाँ पे बोला है ड्रो द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक एन एंगल विच इज लेस देन अ राइट एंगल, ऑल्सो राइट द टाइम। आपको राइट एंगल से छोटा एंगल्स क्रिएट करना है टाइम लिखकर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं। चलिए पहले वाले क्लॉक के अंदर, सो सपोज 1 o'clock होकर 15 हुए हैं, सो 1:15। फिर यहाँ पर 3 हैं और सिर्फ 10 हुए हैं, सो 3:10। ठीक है, एक और बाकी, चलो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यस, ये रहा। सो यहाँ पर क्या करूँ मैं, ओके 2 o'clock एंड 20 लेस देन 90 degree, 2 o'clock एंड 20 डन। मांगी थी हमसे, जो भी मांगा हमसे हमने कर लिया।
बच्चों आपको ये याद है हमने आगे एक एक्टिविटी करी थी मैथ्स वाली, ये इसके आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं पेज नंबर 29 के ऊपर। डिग्री क्लॉक क्या लिखा है, डिग्री क्लॉक। अप्पू एंड किट्टू ये दोनों दोस्त कैरम बोर्ड को प्ले कर रहे हैं और अप्पू हिट कर रहा है स्ट्राइकर को और ये क्या बोलता है, अरे यार तुमने जो शॉट लगाया है इट कम्स बैक एट द सेम एंगल, जिस एंगल से तूने मारा उसी एंगल पे वापिस आ रहा है, क्या बात है। In the picture, three points ABC are shown. Draw a line to show from which point is Kittu hit the. समझो किट्टू ने यहाँ हिट किया पॉइंट ए, यहाँ पर लगा बी और यहाँ पर आ गया सी, सो ये एंगल बन गई, बनी कि नहीं एंगल, कितने डिग्री का ये एंगल है आप डिग्री क्लॉक के मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लड़का वही देख रहा है यार कितना डिग्री का एंगल बनाया उसने। पेज नंबर 30 यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। मेकिंग अ डिग्री क्लॉक, किसी ने मुझे पूछा डिग्री क्लॉक बनाता कैसे है, कोई बात नहीं है आप देखते जाइए कैसे बनाते हैं, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। Let's cut a circle out of paper. Now, at number 2, we'll fold it into half. Now, the third step is fold it once again into a quarter. Number 4, fold it once more. Now, the fifth step is open the paper. You'll see lines like this. Number 6, now mark 0 degrees, 45 degrees, 90 degrees and 180 degrees as you can see on screen. 7th step, paste it on a hard card paper. सबसे पहले पेपर को सर्कल में कट कीजिए, फिर उसका हाफ सर्कल बनाइए, फिर उसका भी हाफ कर दीजिए, उसका भी हाफ कर दीजिए, मतलब फोल्ड करते जाइए, फोल्ड करते जाइए, फोल्ड करते जाइए। कितनी बार, फर्स्ट टाइम यहाँ पर फोल्ड किया हाफ हो गया, सेकेंड टाइम यहाँ पर फोल्ड किया, थर्ड टाइम फोल्ड किया। इसको ओपन करने के बाद कुछ ऐसी लाइंस आपको देखने को मिलेगी, सारे नंबर्स ऐसे लिख दीजिए 90, 45, 0, 180, ठीक है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री यहाँ पर मार्क कर दीजिए। फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ वन हैंड, यहाँ पर देखो एक हैंड पर आपने ड्रॉ किया, दूसरा हैंड यहाँ पर ड्रॉ किया, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, अब आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आपका डिग्री जो क्लॉक है वो एकदम रेडी है। यूज योर डिग्री क्लॉक टू मेजर द राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स, आपका पेंसिल बॉक्स का राइट एंगल मेजर कीजिए। डैश इज द मेजर ऑफ द राइट एंगल, राइट एंगल का मेजर कितना है बच्चों, 90 डिग्री, हाफ ऑफ राइट एंगल। अगर राइट एंगल 90 डिग्री है तो उसका हाफ मतलब आधा हो जाएगा 45 डिग्री, 1/3 ऑफ द राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 उसको थर्ड से डिवाइड करो 30 डिग्री, तीन टुकड़े हो जाएंगे उसके 30 डिग्री के, ठीक है। टू टाइम्स ऑफ ए राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 उसका टू टाइम्स मल्टीप्लाई बाय टू, अरे वाह 180 डिग्री, ये तो बहुत काम की चीज है। मेजर द एंगल्स फ्रॉम वेयर किट्टू शुड हिट द स्ट्राइकर ऑन पेज 30। अच्छा डिग्री क्लॉक, यही डिग्री क्लॉक की मदद से आगे वाला जो किट्टू ने स्ट्राइकर से कैरम बोर्ड पे खेला था उसकी मेजरमेंट करो, मेरे ख्याल से 30 डिग्री आएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है एंगल्स इन अ पेपर एरोप्लेन। बच्चों ये तो आपको आता ही है, एक स्क्वायर पेपर लो, बीच में से ऐसे फोल्ड करो, ओपन करो, फिर यहाँ से उसको इस तरफ से ऐसे, फिर ऐसे फोल्ड करो, मतलब एरोप्लेन ही बना देना है आपको। फिर ग्रीन ट्रायंगल को पी और क्यू से टच करो, मैं यहाँ पे टच करो, फिर उसको यहाँ से बैंड करो, यहाँ से बैंड करो, देख सकते हैं आप। योर प्लेन इज रेडी टू फ्लाई, कैसे फ्लाई करेगा ये, फाइंड आउट द एंगल ऑफ 45 एंड 90 डिग्री व्हेन यू ओपन द प्लेन। पूरा प्लेन ओपन करोगे तो आपको डिग्रीज मिलेंगे, कई जगह पे 45, कई जगह पे 90, कई जगह पे 30। इन द एरोप्लेन देर आर फोल्ड्स ऑफ 45 एंड 90 डिग्री, एरोप्लेन में सिर्फ 90 और 45 के फोल्ड्स है, जो कट है वो 30 और 60 डिग्री के हैं। अब आपकी बारी है एंगल्स व्हेन योगा, जब योगा करते हैं तो कौन सी एंगल्स बनती है। रहमत, ये लड़का है रहमत जो योगा कर रहा है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बन रही है, यहाँ पर एक्यूट लेस देन 90 डिग्री, यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी बन रही है भाई साहब की 90 से अप, यहाँ पर बन रही है 90 से कम। सो एवरीवेयर देयर इज एंगल एवरीवेयर, अगर आप ध्यान दो सभी जगह पर आपको एंगल्स दिखाई देगी। एस्टीमेट करना है मेजर, या तो फिर आपको मेजर क्लॉक जो बनाया है उससे आप उसकी हेल्प से भी आप इसको मेजर कर सकते हैं। द डी गेम क्या है, द डी गेम, यू कैन प्ले द डी गेम विथ योर फ्रेंड्स, यू ड्रॉ एन एंगल, योर फ्रेंड विल गेस द मेजर।
अच्छा आपको एक एंगल ड्रॉ करनी है, आपको फ्रेंड को पूछना है अरे कितने डिग्री का एंगल है, बराबर है, फिर उसको मेजर करना है मेजर क्लॉक के साथ। ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में एक ये टूल है, ठीक है, ये आपका डी है समझो, जिसे आप मेजर कर रहे हो, इसे प्रोटेक्टर कहते हैं, ये है आपका डी, डी बोले तो प्रोटेक्टर, ये स्पेशली एक टूल है जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्पेशली एंगल को मेजर करने के लिए। ये एंगल को कैसे मेजर करते हैं मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। मेजर द एंगल इन डिग्रीज, तो हमारे पास यहाँ एक एंगल बना हुआ है, ये दो रेज मिलकर एक एंगल बना रहे हैं और हमें इस एंगल को मेजर करना है। तो इसे मेजर करने के लिए हम अपने इस एंगल की वर्टेक्स और ये जो मिडल पॉइंट है हमारे इस प्रोट्रैक्टर का, इसे एक साथ कर देंगे। यहाँ पर मैं अपने इस प्रोट्रैक्टर को ठीक इस वर्टेक्स पे रख दूंगी, ये आ गया ये हमारी वर्टेक्स पे, और अब यहाँ पर मैं इस एक रे को अलाइन कर दूंगी अपने इस प्रोट्रैक्टर के जीरो वाले मार्क के साथ। तो यहाँ पर अगर मैं इसे रोटेट करती हूँ तो मैं अपने इस रे को अलाइन कर सकती हूँ जीरो वाले मार्क के साथ, यहाँ पर ये इसके साथ अलाइन हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसके साथ अलाइन कर देती हूँ तो यहाँ इस एंगल को मेजर करने के लिए हमारा प्रोट्रैक्टर तो है ही नहीं, प्रोट्रैक्टर तो बाहर चला गया, यानी कि मुझे अपने इस दूसरी वाली रे को जीरो के साथ अलाइन करना चाहिए ताकि हम ये अंदर वाला एंगल मेजर कर सकें। तो ये हमारा जो जीरो वाला मार्क है ये अलाइन हो गया हमारे इस वाले मार्क के साथ, हमारे इस रे के साथ, और ये जो दूसरी रे है ये हमें हमारे एंगल का मेजर दे देगी। तो हमारी ये दूसरी रे ये ठीक 90 वाले मार्क पे आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस एंगल का मेजर, ये वाला जो एंगल है ये बराबर है 90 डिग्रीज के। यहाँ पर हम 90 रख देंगे और ये एक राइट एंगल है हमारा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। तो अब इस एंगल को मेजर करने के लिए तो फिर से अब हम अपना प्रोट्रैक्टर उठाएंगे और यहाँ इसके वर्टेक्स पे, यहाँ इस एंगल के वर्टेक्स पे इसे रख देंगे और इस जीरो वाले मार्क को हमने इस रे के साथ अलाइन किया है। हम चाहते तो इस रे के साथ भी अलाइन कर सकते थे, लेकिन अगर हम इस रे के साथ अलाइन करते तो हमारे सारे एंगल्स तो बाहर आ जाते, इसलिए यहाँ पर मैं अपने इस जीरो वाले मार्क को इस रे के साथ अलाइन कर रही हूँ। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो दूसरा रे है ये 100 वाले मार्क पे आ रहा है, यानी कि हमारा ये एंगल ये 90 डिग्री से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास है एक ऑब्ट्यूस एंगल जिसका कि मेजर 100 डिग्री के बराबर है। सो यही पे हमारा चैप्टर ओवर होता है। ये चैप्टर बहुत ही मस्त और इंटरेस्टिंग था, मजा आया एक्टिविटीज करते करते, सीखने में, पढ़ाई करने में तो और मजा आ रहा है मैथ्स, क्योंकि इसमें बहुत सारा फन है, एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट्स है, मस्ती है। मैथ्स को कभी भी हार्ड मत समझो, ये इजी सब्जेक्ट है, जितना आप उसके साथ खेलोगे उतना ही आप लर्न करोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, टिल देन बाय, टेक केयर, गुड डे। इफ यू लाइक द वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।